हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए आईपी का। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग के मन में आता है कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, जो हमें डिजायर आउटपुट देता है। फिर देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर में हम लोग हमेशा सुनते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन होता क्या है एक्चुअली में? तो डेटा होता है रो फैक्ट्स और फिगर्स। मतलब ये हुआ, कोई भी रेंडमली जो भी हमारे पास कोई चीज़ हम लोग सुनते हैं, वो सब डेटा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 मई 2010 कोई डेट बोले हम लोग, तो वो क्या हो गया? वो डेटा हो गया। लेकिन अगर इस डेटा को हम लोग प्रोसेस कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। जैसे 10 मई 2010 है, अगर हम बोल देंगे किसी का डेट ऑफ बर्थ है, रमेश का डेट ऑफ बर्थ है ये, तो क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वो डेटा क्या हो गया? प्रोसेस होकर हम लोग को कंप्लीट जानकारी दे रहा है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो ये चार स्टेज में होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट में क्या होता है? इनपुट होता है जो भी हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद फिर आउटपुट कंप्यूटर हमें देता है, और लास्ट में हम लोग उस आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये चार स्टेजेस में कंप्यूटर वर्क करता है। अब है कंप्यूटर का फंक्शनल पार्ट्स। क्या क्या कंप्यूटर का फंक्शनल पार्ट्स होते हैं? इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से हम लोग इनपुट करते हैं, सीपीयू जो कंप्यूटर का ब्रेन जिसे कहा जाता है, और आउटपुट यूनिट हो गया जो हम लोग को जिससे हम लोग को डिजायर आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, इसी को इनपुट। फिर सीपीयू के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू, और उसके बाद फिर यहाँ पर आउटपुट है। देखिए इनपुट कैसे हम लोग करते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस से करते हैं। तो देखिए इनपुट यूनिट के बारे में मैंने लिख दिया है। तो इनपुट यूनिट जो होता है वो इनपुट डिवाइस से कंसिस्ट होता है, और जैसे जो हम लोग का हेल्प करता है डिजायर आउटपुट इनपुट लेने में काम करता है हम लोग को, और उसके बाद वही इनपुट प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर आउटपुट हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हुआ? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और डिजिटल कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस है, इनसे हम लोग इनपुट करते हैं। जॉयस्टिक जो गेम खेलने में काम आता है, तो ये सब तो आप जान ही गए। आउटपुट यूनिट क्या होता है? तो ये आउटपुट डिवाइस से कंसिस्ट होता है जो हमें रिजल्ट देता है, जैसे मोनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब हमें आउटपुट देता है। इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस हुए, आउटपुट यूनिट के पार्ट हुए। और सीपीयू, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। और सीयू क्या हुआ? मैथमेटिकल समझ रहे आप लोग, प्लस माइनस डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोग को डिटेल में, लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। और सीयू कंट्रोल यूनिट होता क्या है? कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा को फ्लो करने में हेल्प करता है। एंड जैसे हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, तो क्या होता है? वो डेटा फ्लो होता है, सीपीयू में जाता है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस होता है, फिर बाद में वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग को आउटपुट देता है। तो ये सब क्या होता है? उसके लिए हमें एक कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत होती है, तो यही कंट्रोल सिग्नल्स को भेजता है। नाम से ही पता चला है कंट्रोल यूनिट है, तो ये कंट्रोल करता है डेटा के फ्लो को। फिर एमयू क्या करता है? ये डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम और रोम, इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी हो गया जो हमारा हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम होता क्या है? तो रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो क्या होता है? रैम में जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो खत्म हो जाता है, मतलब ये उड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सुनते हैं कि हमारे मोबाइल में 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, कंप्यूटर में ऐसे हम लोग सुनते हैं। तो होता क्या है? तो रैम क्या करता है कि ना, जिस कंप्यूटर में, मोबाइल में ज़्यादा रैम रहेगा तो उतना स्मूथली वर्क करता है, ज़्यादा ऐप हम लोग ओपन करने के बावजूद वो अच्छे से फंक्शन करता है। लेकिन रैम में क्या होता है? जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं वो क्या होता है? वो तभी तक रहेगा जब तक कि हम लोग उसको ऑफ नहीं किए कंप्यूटर को। कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो रैम में जितना भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो चला जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और उसमें रीड राइट दोनों वर्क हो सकता है।
जबकि रोम जो हो गया वो क्या है, तो एक तरह से मेमोरी चिप होता है ये, जो डेटा को स्टोर करता है, बट इसमें हम लोग सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर भी दिए तो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है, इसका इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होता है। तो एक्चुअली में रोम का काम क्या होता है, रैम तो हम समझ गए कि हम लोग जो भी कंप्यूटर या मोबाइल जो स्मूथली वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है, ऐप्स सब को ओपन करने के बावजूद, बहुत सारे ऐप्स को ओपन करने के बावजूद हमारे कंप्यूटर या मोबाइल अगर हैंग नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मोबाइल या कंप्यूटर का रैम ज़्यादा है। ये तो रैम का काम हो गया। रोम क्या करता है, जैसे ही हम लोग ये बायोस वर्क करता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, एक्चुअली में सबसे पहले वो क्या करता है, सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी फाइल्स इसको लोड करता है, देखता है कि सब फाइल्स है कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तब जाके कंप्यूटर ऑन होता है। तो ये वही करता है, इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसमें रहता है, जो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर फॉलो करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके और बाकी फाइल्स को जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। अब इसकी तीन टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। तो देखिए अब तक आपने इन सब टॉपिक्स को देखा, तो मैं यहाँ बता दूँ, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड्स वालों की या आईसीएसई बोर्ड कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। इन सब टॉपिक को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर हो गया, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स है, तो ये हार्डवेयर कहलाएगा। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, तो जो हम लोग के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है जिसकी वजह से हमारा वर्क हो सकता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के वर्क्स में हेल्प करता है। एक्चुअली में ये हम लोग सिर्फ इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते फिजिकली, बिना जैसे हम लोग देखते हैं कीबोर्ड माउस, क्यों वर्क करता है, सॉफ्टवेयर, इसी वजह से, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर ये फिजिकल पार्ट नहीं होता है, बल्कि इसको हम लोग जस्ट देख सकते हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर देख, जैसे हम लोग देखते हैं एमएस ऑफिस हो गया या फिर एंटीवायरस हो गया या फिर कुछ भी हम लोग देखते हैं, सब क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, ये हार्डवेयर को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है। अब सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्क करने में हेल्प करता है, और ये हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये सब हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कभी भी कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता, कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या कंप्यूटर ऑन होगा, वर्क करेगा, नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी होता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो एक प्रकार से एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो इंटरफेस के रूप में काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच, मतलब हार्डवेयर यूजर को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल जैसे विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज XP, ये जब हम लोग लिनक्स, ये सब नाम जो सुने हैं, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हार्डवेयर और यूजर को जोड़ने का काम करता है। अब फंक्शंस इसका देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। एरर हैंडलिंग, कुछ एरर आ जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैवी हैंडल करता है। रिसोर्स कंट्रोल, कुछ रिसोर्स रहता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं या प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी रिसोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, अगर जैसे विंडोज 8 में या विंडोज 10 में जानते हैं इनबिल्ट एंटीवायरस पहले ही से रहता है जो सेफ करता है हम लोग को वायरस से, तो ये हम लोग को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर, ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है, जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जैसे हम लोग जावा हो गया, जावा, पाइथन या फिर सी, सी प्लस, सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। और लो लेवल लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर समझता है, जिसको हम लोग को पता है कंप्यूटर सिर्फ 0-1 ही समझता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये भी तीन टाइप का होता है,
कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट सिर्फ वन गो में, मतलब एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करवाते हैं, अगर कुछ एरर होता है तो एक ही बार हमें सारा एरर्स दिख जाता है और उसके बाद हम लोग उसको ठीक करते हैं कि कहाँ पर एरर है, उसे सही करते हैं और लाइन नंबर से बता देता है कि इस लाइन में ये एरर है, उस लाइन में ये एरर है। तो सी प्लस प्लस, जावा, ये सब सब क्या है, कंपाइलर यूज़ करता है। हालांकि जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों यूज़ करता है, बट जैसे सी प्लस प्लस हुआ, सी वाइज, ये सब कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटर ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, बट ये लाइन बाय लाइन करता है। जैसे कोई एरर अगर आ गया तो पहले वो उस लाइन में एरर दिखाएगा, उसके बाद वाला लाइन में एरर वो नहीं दिखाएगा, उसके बाद में अगर कुछ एरर है तो। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले इंटरप्रेटर क्या कोशिश करता है कि जिस लाइन में एरर है उसको दिखला देगा, शो कर देगा, और हमें उसको पहले ठीक करना होगा उस एरर को। उस एरर को ठीक करने के बाद ही फिर वो इंटरप्रेटर जो है आगे फिर वो चेक करेगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं है, कंपाइलर क्या करेगा, सारे एरर्स को एक ही बार में दिखा देगा। कि जैसे मान लेते हैं कि फिफ्थ लाइन में, टेंथ लाइन में, दो लाइन में एरर है, तो कंपाइलर दोनों को एक ही बार में दिखा देगा, फिफ्थ लाइन और टेंथ लाइन में एरर को। तो हम लोग दोनों को ठीक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, फिफ्थ लाइन के एरर को दिखाएगा, टेंथ को नहीं दिखाएगा, वो फिफ्थ से वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और जब हम लोग फिफ्थ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक कर लेंगे इसको, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट एरर बताएगा। तो ये लाइन बाय लाइन एरर बताता है और ये एक ही बार बताता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। और असेंबलर फिर हो गया, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जैसे किसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इस टाइप से यह हमारे वर्क को ईजी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताए थे मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चल सकता है क्या? नहीं। तो वह बहुत कंपलसरी है, मतलब बिना उसके तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। तो वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे वर्क को ईजी करता है। ये नहीं रहे तो भी हमारा वर्क हो जाएगा, बट ये हमारे वर्क को ईजी करेगा। जैसे एग्जाम्पल के एमएस ऑफिस, अगर एमएस ऑफिस नहीं भी है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आप ओपन ऑफिस भी रख सकते हैं या कुछ भी, हमारा कंप्यूटर तो चल रहा है ना, मतलब। लेकिन यानी समझ में आइए, इम्पोर्टेंट होता है बट मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हमारे इसके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। लेकिन हमारे वर्क को ईजी करता है। जैसे एमएस ऑफिस रहता है तो हमें कुछ भी एमएस ऑफिस रिलेटेड वर्क करना होता तो हम लोग कर सकते हैं। ब्राउज़र, जैसे हमें इंटरनेट चलाना रहा, ब्राउज़र नहीं रहा तो हम लोग कैसे चलाएंगे? तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए एबेकस, क्या फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? तो एबेकस था। डिफेंस इंजन कौन बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज बनाया था। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मेमोरी का? तो बिट होता है। और एक निबल में चार बिट होते हैं। देखिए हम लोग जो भी कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या लेता है? बिट लेता है। 01 बिट का मतलब क्या होता है? 01 बिट हो गया। अब वही बिट मिल मिल के बाइट्स बनाता है, उसके बाद केबी बनाता है, किलो बाइट्स, मेगा बाइट। हम लोग सुनते हैं, देखते ना, 10 MB का ही गाना है, 15 MB का ही गाना है। तो ये MB क्या हुआ? तो वो पहले बिट्स, बिट्स फिर बाइट्स, बाइट्स के बाद किलो बाइट्स, उसके बाद फिर किलो बाइट्स से कलेक्शन होता है मेगा बाइट्स। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है? मेमोरी का बिट होता है। और एक निबल जो है वो चार बिट के इक्वल होता है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है मेमोरी यूनिट का, इसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बिट में 8 बिट्स होता है, 1 KB में कितना बाइट होता है? 1024, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB। तो इसे आप लोग को याद रखना है जो एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है हमारे CBSE बोर्ड्स के फर्स्ट चैप्टर में, बट ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को जितना बता रहा हूँ बस उतना ही टॉपिक आप लोग के एग्जाम में आएगा, इसमें सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर रहा हूँ। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड चिप यूज़ हुआ था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहा है। और सुपर कंप्यूटर्स एग्जाम्पल क्या है? परम। और सभी जनरेशन का मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल आप लोग याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या यूज़ होता है, बस इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, कभी भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए डी रैम और एस रैम क्या होता है? रैम का भी दो टाइप होता है। रैम के मैंने बताया, कोई भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्मूथली वर्क कैसे करता है अगर उसका रैम ज़्यादा हो। अगर रैम ज़्यादा रहेगा तो वो उतना अच्छा स्मूथली वर्क करेगा। रैम में इंफॉर्मेशन जो होता है वो टेम्प्रोरी स्टोर होता है। तो यहाँ पर जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो रैम का इन्फॉर्मेशन सब खत्म हो जाता है।
देखिए रैम का दो टाइप होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसे भी आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। स्टैटिक रैम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और डी रैम से ज़्यादा फास्टर होता है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है और ये कैश मेमोरी के रूप में यूज़ होता है। कैश मेमोरी के रूप में मतलब हम लोग कंप्यूटर में जो भी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है कैश मेमोरी में। तो हम लोग जैसे कंप्यूटर को फिजिकल पड़ता है उस इन्फॉर्मेशन को, तो वो क्या करता है तुरंत कैश मेमोरी से ले लेता है। इससे क्या होता है हमारा वर्क जो है बहुत फास्ट हो जाता है। तो कैश मेमोरी जो होता है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले डेटा को अपने पास रखता है। और डायनेमिक रैम क्या होता है, इसकी जस्ट अपोजिट होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, स्लोअर होता है एस रैम से, और ये मेन मेमोरी के रूप में यूज़ होता है और ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं रोम का टाइप के बारे में। रोम में क्या होता है, पी रोम, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार हम लोग अगर किसी चीज़ को मतलब रोम में लिख दिए है, प्रोग्राम को लिख दिया गया है, तो इसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। और ई पी रोम में इसको हम लोग दोबारा प्रोग्राम मतलब रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पी रोम एक बार इसमें प्रोग्रामेबल है, मतलब एक बार हमने प्रोग्राम लिख दी तो फिर इसमें वो हम लोग इरेज नहीं कर सकते। और ई पी रोम ई रीप्रोग्राम्ड है, हम लोग इसको दोबारा रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से। और ई पी रोम इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और इसको भी हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये रोम का इम्पोर्टेंट, रोम का टाइप्स है, रोम का टाइप्स डी रैम एस रैम ये एग्जाम में आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका फंक्शन, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया था ये, और साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। तो ये सब सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब को आप लोग को अच्छे से कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स एक टॉपिक बच गया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये हमारे वर्क को ईजी करता है। इसका दो टाइप होता है, पैकेज और यूटिलिटीज़। पैकेज क्या करेगा कि स्पेसिफिक टास्क करेगा, वर्क को ईजी करेगा, जैसे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर स्प्रेडशीट, ये सब क्या करता है, ये इनका यूज़ होता है डेटाबेस बनाने में, ठीक है, डेटाबेस को स्टोर करने में रिकॉर्ड्स को। और फिर दूसरा हो गया यूटिलिटीज़, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही टाइप है। ये क्या करता है, वायरस को क्लीन करना, डिस्क को बैकअप करना, ये सब जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो सब यूटिलिटीज़ के अंदर आता है। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके नेवास्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल देने के लिए, बैकअप यूटिलिटी जो बैकअप में हेल्प करता है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप्स में आता है, जो हमारे सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है, हमारे वर्क को ईजी करता है। इस तरीके से मैंने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर आईपी का एक्सप्लेन कर दिया है, क्लास 11th का। तो जो भी टॉपिक्स मैंने बताया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लेना है। और इसके अलावा आप लोग बुक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप ईजी लैंग्वेज में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लगभग कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।